जी राम राम जी। आप सब किसे हैं? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। और कई दिन बाद हुई है अपनी ऊँ सुई बात। तो भाई शादी में हो रही थी मैं बिजी और भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे उस दिन। भाई आने का व्लॉग नहीं बना पाई और क्योंकि थोड़ा सा ये था कि हाँ मिले बात बुत करी बैठे बैठे, तो टाइम ही नहीं मिल पाया कि भाई कुछ भाई व्लॉग बना पाती। नहीं तो आपने भाई दिखाती जरूर, कोई बात ना फिर कहते जावेंगे जब दिखावेंगे। और इतनी थकावट हो रही थी भाई, आते के साथ सो गए। और फिर अभी अगला दिन है सुबह, तो भी देख लो मेहंदी थोड़ी फीकी फीकी सी पड़ ली है क्योंकि वहाँ आए भाई कासन कुसन मंजवा के थोड़ा बहुत काम कुम सा करवा के ना, तो भाई ये लगा लो पहले अब तेरे मौज ले ली। तो भाई थोड़ा संगवा का भी आना था क्योंकि काकी दुर्वा एक का है बेबे, तो उसका ब्याह हो गया और फिर भाई कोई तो काम करनी चाहिए ना। तो फिर मैं सोची चलो निमटवा निमटवा के ना और फिर चालू हूँ। और उड़े भाई जो मैंने मेकअप करवाया तो मेरे भाई कर ली बालिशे कर दिए, वो आड़े चढ़ गए वे घुंगरा ले से थे कति यूँ पूछड़ी सी होगी और वो भाई केमिकल ते चिपके दिए, तो बाल यूँ लगा लो यूँ हो रहे थे ना कंगी हो ना और इतने बूंदे लागे। और उस दिन भाई जब बाण आई पग फेरे पे तो मैंने भाई ऐसे ही बताऊँ सिर धोने जी ना करा क्योंकि इतनी थक रही थी अग भाई जी ना करा कुछ भी करण का है। तो फिर भाई मैंने सोची चल कोई बात ना इन्हें पड़े रहन दे, मैंने ठाक न्यू कि न्यू उन ये गुत्थी मुत्थी आड़ा जूड़ा सा करके ना और मैं कहा दोंगी फिर सूखेंगे भाई क्योंकि मेहंदी लगा ना। तो पीछे जब भी आप मेहंदी लगावा तो कपड़े के है ना पीछे लाकन है और वो मेहंदी का रंग आ जाए और भाई कपड़े खराब हो जाए, तो इस चक्कर में भाई मैंने ना लगा वो करा उस दिन सिर धोया मैं अपने घर आ जाकर ना और बढ़िया त्रिया जब धोऊंगी। तो फिर ये धोया मैंने शहर, तो यूं लगा लो बाला का कुछ सुता ना सो रहा था पहला था भाई मैं रात ने लगा कर सोई। एक एक धड़ी तेल लगाया मैंने नारियल का तेल जो कि भाई नवीन जी लेकर आए थे और फिर तेल लगा कर नमक सो गई सुबह से ना बढ़िया मका सर धो जाएगा क्योंकि बाल कति खराब हो गए क्योंकि भाई कोई भी होया आप हेयर स्टाइल बनवाओ हाँ तो केमिकल तय स्प्रे करके तो भाई थोड़ा सा सेट करे हैं बाला ने उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो भाई आप वैसे नॉर्मल ले हेयर स्टाइल बनाना वो ऐसे ही रहा है, तो भाई मेरे तो बाल कति से भूडे हो गए नू पूछड़ी सिर मरोड़ी सी खा गए ना उन्होंने कंगी हो ना और दो दिन उन्हें नुह बांधी रही मैं क्योंकि जिस दिन विदाई हुई उस दिन भाई अपने रात हो गई थी सो गए। अगले दिन फिर वो भाई पग फेरा तई आई फिर उस दिन मेरा मूड सा इना था सर उनका नू कनू बांध लिए और फिर भाई हम उस दिन रात न आए थे। और फिर आने के बाद मन नहीं करया फिर मैंने तेल तेल लगा कर सोई आज मैंने धोया अपना शर फाइनली, तो अब थोड़ा सा सही होया है तो भी एक दो बारी और धुलेंगे जब सही होंगे तो देख लो। और वो चढ़कन वाड़े तो हो गए ना उनकी चोटी और ना बंद है ना गुत्थ है कुछ भी ना हो, तो भाई ये जा रहे हैं तो आज भी काम कुम कराया है। और कई दिन के भाई सोच लो कपड़े तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं बहुत घने बांध कर लेगी थी और यूँ लगा लो नरे हो रहे हैं तो उन्हें लगाऊंगी मशीन और बाकी काम कुम तो कर लिया है और वे जा रहे हैं दीक्षा ने लेने। देख लो क्या टाइम हो गया है झाड़ू पोछा कई दिनों के भी घर बंद हो रहा था तो गंदा तो हो ही जा है मतलब थोड़ा सा फैलता तो जाओ यार कुछ हम जाते टाइम है ना शौक शौक में कपड़े कुपड़े गानू गानू खंडा मंडू कर नहावा जब जूते जाते चप्पल चुप्पल नुए गिर गिर के चले जावा हाँ फिर वाए पाछे दिखे खा यू के करके चली गई। तो ये लाग गया भाई न्यू लगा लो दो का टाइम हो रहा है एक दो तो मिनट रह रही है तो सारा काम फैला पड़ा है मतलब संगवाया है। तो ईब ना आई हूँ मैं मका ना लूँ और थोड़ी सी शांति सी मिल जाएगी बना ना आए ना शांति मिल रहा है। अरे का दी जगह मिठाई मिठुई भी बांट दी थी अरे का दी जगह ईब देख आवाँगे और थोड़ा सा रिलैक्स ही हुई हूँ। और बताओ और शादी के ब्लॉग ने है ना मतलब जितने भी हैं सारे मतलब गांव के देसी बढ़िया बढ़िया इंडिया इंडिया ब्लॉग हैं उन्हें जा जाकर देखो और फुल लाइक सपोर्ट कराया करो और भाई अपने चैनल पर नए आना तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो क्योंकि बहुत घनी मेहनत करने लग रहे हैं हम अपने भी दिखता होगा एंड जितना ले जाने का कैमरा हो ना उड़े भी कैमरा ले जाकर उन्हें उड़ा के खड़े हो जाओ हाँ है। तो कई दिन हो गए थे मेरी बड़ा सी लकड़ी बोल ले तो मैं आज बोल रही हूँ थोड़ी शांति से मिल रही मुझे बताऊँ कुछ आदत से होगी भाई आप तक बात करने की क्योंकि यूँ लगा है कि हाँ भाई आप मेरी सुनो हो तो मैंने थोड़ा सा बढ़िया लगा है आ रहे हैं तब बात करूँ हूँ यूँ हो जाए कहाँ मेरे सामने ही बैठे शुरू शुरू में तो थोड़ा सा अजीब सा लग गया करता आ के बोलूँ के करूँ के ना करूँ कुछ समझ में ना आवा था तो ये भी यूँ हो गया ना हाँ भाई मेरे देख रहे हो आप सब हाँ मैंने पता चल गया तो फिर यूँ हो जाए हाँ भाई मतलब कि मैं किस तरह बात कर रही हूँ तो मेरे आप भी मेरे फैमिली की तरह हो गए हो तो बात करना मैंने बहुत बढ़िया लगा है। तो भाई चलो
और भाई सारी मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी थी जो कि भाई मैंने आप तो बताई थी, और पता नहीं भाई क्या दिक्कत हुई मेरी इंस्टाग्राम आईडी हो गई है बंद। तो भाई मैंने दूसरी चालू करी, उसमें मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो उसने जाकर फॉलो कर लियो। और इंस्टाग्राम आईडी भाई दीक्षा के नाम से है, दीक्षा फोगाट। तो बाकी भाई मैं दीक्षा से पूछ कर ना बता दूँगी भाई, क्योंकि किसी बताऊँ मैंने ना तो मैंने बनानी आती है और ना भाई मैं सही बताऊँ यूँ देखी के थी, बस यूँ देख पढ़ा था हाँ दीक्षा, बाकी मेरे याद ना रहती व्लॉग बनाऊँ जब मैं, तो फिर उसके बाद बेशक देख लूँ फिर व्लॉग मैंने बोले दिया तो फिर क्या फ़ायदा है, और फिर मैं भूल जाऊँ ध्यान ना रहती। तो भाई फुल सपोर्ट कराया करो हो और ये भाई अपने बढ़िया बढ़िया अरे बाहर के भी दिखा दिए हैं, ये बताओ सारे त्रिया के तो दिखा दिए हैं। तो फटाफट भाई अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और फुल सपोर्ट कराया करो, और किस तरह के ब्लॉग चाहो वो भी बता दियो, तो वो भी बनाने भाई आप तैयार था। और भाई जो मेरा दूसरा चैनल है रेनू फोगाट कलेक्शन, उसने जाकर भी सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो भाई बढ़िया त्रिया और देख लो, एक बात है जब मेकअप करा है ना तो आप उसके एक दो दिन बाद तक थोड़ा सा फेस मतलब बढ़िया सा रहा है। अरे हालांकि आज मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ साबुन का मुँह धोकर न और शैम्पू तो सिर धोकर और या थोड़ी सी क्या बोला अगर उसने लिपस्टिक भी नहीं लिप ग्लॉस की तरह कुछ ऐसा सा शाइनिंग वाला लगा रखा था। तो देख लो ना क्या मैं काजल ना कुछ ना करना मैं, तो एक आध बात मतलब अपने आप मतलब ग्लो आ जाओ, हर एक आध में कुछ कर लो जब भी ग्लो ना आती। तो शादी में दो चार दिन सही फ्रेश होकर आए हैं, सही मजे फुल इंजॉय करके आए हैं। तो भाई चलो 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 करूँ और मैं वो नहीं कर रही हूँ तो आगे यहाँ पे माँ आ रही थी तो माँ के लिए बना रही थी मैं चाय, तो मैं सोचा चाय बनाती हूँ और साथ साथ कर रही थी दूध गर्म, और जो शादी में मिठाई आ रही थी उसमें तो मैं सोचा चाय के साथ है ना मुट्ठी बढ़िया लगेगी, तो मुट्ठी डाल ली हूँ। और माँ कई दिन हो गए थे सोचिए के लिए भाई ब्याह में जा रहे हैं ना, तो दूसरे दिन माँ एक दिन छोड़ के या तीसरे दिन माँ आ जाया करे है मिलन ताई है भाई बैठ कर बात बूत कर लिया वहाँ, तो फिर हम ब्याह में जा रहे थे तो कई दिन हो गए थे। फिर आज माँ ने ना मतलब वही यूँ था कहाँ ये आ लिए होंगे, तो फिर आज मैं मिल आऊँ हूँ। और भाई बारे है नवीन छुट्टी, तो भाई थोड़ा सा अपने बेटे से मिलन का माँ ने भाई पति वो है कभी ले इतने है इतने, तो और थोड़ी तौड़ी तौड़ी चली जाऊँ। तो भाई माँ का दाड़ा बढ़िया जी लग जाया करे है, और मैं यहाँ पर चाय बनाने लग रही थी और साथ के साथ में भाई अपने और जो एक आधा काम था घी नारा रहता, तो मैं सोची मैं कल भाई मक्खन वो कर दूँ दूध जमा कर और घी बनाने खातर वो भी तैयार करने खातर वो भी काम करने लग रही थी, क्योंकि कई दिन का काम रुक रहा था, और तो मैं सोची मैं कल इतने बैठे अपना कर लूँ मस्ती है। तो भाई मैं ना एक कई दिन बाहर जाया ही ना तो थोड़ा सा मन सा फ्रेश हो गया, अरे घर पड़े रहा ना सारी आना, तो उससे भी थोड़ा सा आप और सेर वो हो जाऊँगा कि रोज़ रोज़ ही काम यो कितने जाना नहीं कितना आना नहीं है, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी होना जरूरी है। और भाई अपने जो कर कई दिन हो गए थे घर के तो मिले रहे वो बहुत बढ़िया सा लग गया, और यार मेरी चाय बन के हो गई थी तैयार फटाफट। यार अब शकरकंदी बुनने के लिए क्योंकि इस तरह ना बहुत बढ़िया शकरकंदी बुन देगी,
तो एक ऊपर रख दी है बिल्कुल मंदी आँच पे और ढक दिया है इससे, तो बहुत बढ़िया शकरकंदी भुन जाएगी। जैसे मार्केट में आओ ना उस तरह की शकरकंदी तैयार हो जाएंगी। तो आज डुबू का मन था शकरकंदी खाने का, तो फिर मैं मंडी में गई थी लेकर आई हूँ। उसके पापा ने हरी सब्जी का शौक है, पापा को मिलती होगी हरी सब्जी, तो इस हमारे और डुबू नहीं पसंद है, तो ये बोले चलो पालक पूलक ये चीज़ लिया हरी सब्जी, तो मैं हरी सब्जी लेकर आई थी, साथ में लिया शकरकंदी जो कि डुबू ने पसंद है। और आज भाई इसी बात हुई कि मैं गांव गई ना, जब आटा थोड़ा ही रह रहा था और पिछला मैंने कर दिया था, तो मैं सोचिया कि ले भाई पिछला कर दिया है ये भी पिसवा लूँगी। तो फिर मैं शादी में चली गई और फिर आने के बाद था एक दिन का आटा, तो भी काम चल गया। और फिर आज ये भी शाम का टाइम हो गया आटा ख़त्म, तो फिर ये भी सोची कि बनाऊँ। तो फिर मैंने सोची कि ले भाई चक्की वाले के पास फ़ोन करा था, तो चक्की वाला बोलिया कि कल आऊँगा मैं सुबह, तो फिर ये फिलहाल शाम ने और कल बच्चे जाऊँगे स्कूल में, तो उसके लिए फिर कुछ तो ऑप्शन चाहिए। तो इस बारे मैंने सोची है फिलहाल बना दी हूँ नमकीन चावल, और सुबह के लिए लिया ही मैं ब्रेड, तो सुबह बना दूँगी सैंडविच और ये भी शाम में बना दूँगी नमकीन चावल। तो दही भी नहीं है और शाम ने भैया मौसम ऐसा हो रहा है तो ठंडी दही के साथ भी बड़ा ख़राब हो जाएगा। इस हमारे सिंपल से सारी दाल दूर डालकर ना, अरे सिंपल से बना दूँगी एक भाई, जिससे थोड़ा सा दाल वगैरह गिर दूँगी, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा बढ़िया सी लगेगी। तो यहाँ पे डूबू का मैंने पता है चावल थे पेट ना भरा उसमें कम पसंद है चावल, तो इसे मारे कुछ शकरकंदी खा लेगा और कुछ खा लेगा यू चावल, तो अपने पापा की उस तक खा लेगा, कभी इसके पापा थोड़ा दाब लगाऊंगे ना तो इसे मारे खा लेगा, बाकी ना खाता है यू, तो थोड़ा सा इसके पापा खाऊंगे उसके साथ थोड़े चावल खा लेगा और अपना एक शकरकंदी खा लेगा, तो उससे इसका पेट सा भर जाएगा। और सैंडविच इसने पसंद है तो अभी सैंडविच बना दूंगी, तो फिर सुबह समस्या हो जाएगी, तो इस चक्कर में और ये फिर ये खा लेगा, तो फिर सुबह भी दोनों टाइम सैंडविच भी ब्रेड का भी बढ़िया ना होता है हमारे, तुम सोची चावल खा दूँ और दूसरे सैंडविच खा दूँगी। आ जाए मैं राजकुमार, तो देख तेरी ये रुकी शकरकंदी उठा कर तो चाहिए नहीं ये बच्चा देख देख फिर ये टलती नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से सेट करा हमने, जो बोलते हेलो सब कर दे लड्डू ले लेंगे, रखे लड्डू शादी के लड्डू खाओगा छोरा, मेरा तो कुछ मीठा खाने जी नहीं करता सही बताऊँ, क्योंकि भाई है ना ब्याह में था कई दिन हो गया मीठा खा पाए, मीठा इतना खाया भी नहीं, पर मैं तो देख के थोड़ा सा वो हो गया इस मारे हैं, तो डुबू खाओगा डुबू का मन कर रहा कोई दिन में कुछ ही नवा नहीं खाया कुछ भी मीठा, तो आज इस मारे थोड़ा जी करके कुछ चटपटा खाया इसने मीठा कुछ नहीं खाया, सारा दिन है ना यूँ लगा ले सारा दिन दुकान पर खड़ा रहेगी है ना, दुकान पर खड़ा नहीं दुकान पर अकेला जाता रहा, अकेला जाता रहा यूँ लगा ले सारा दिन, कम से कम 10-15 बार दे रहा मैं, कदे चिप्स कदे कुरकुरे कदे टॉफी, सारा दिन लॉलीपॉप में लगा लो, लास्ट टाइम में है ना भाई हमने ये जो वो एक थी आए थे बड़गा बटे वो आया था पग फेरा पर दूसरी दोबारा तो आया करें, तो उस पाए ना उन्होंने सोची थी कि भाई के साथ थोड़ा मजा करेंगे लॉलीपॉप कर उसका, तो अब दुकान पर भेजा दुकान पर ना इसने एक दिन में 25-30 लॉलीपॉप रो वाला भी थोड़ा हा वो पड़ गया, अभी हम भी लाऊंगे तो अगले कहना लॉलीपॉप ना मिल गया बोले खत्म हो गए भाई डुबू ने खत्म कर दिए सारी, इसने इतना टोटा ले लिया उड़े है यार भाई, मतलब सारा दिन लगे रहे उन पर लॉलीपॉप पर आखिर में दुकान पर खत्म छोड़ दे पीछे छोड़ दे चक्कर में मुका जामर ले लिया करे गई मैं वैसे अच्छा वो ना था क्योंकि घर के पास में दुकान थी, तो ये उड़े खड़ा रहा सारा दिन खरीदी गया है ना गंदा बच्चा, इसलिए इसका यूं हो रहा है मैं फिर गाँव जाऊँ थप्पड़ मारूंगी खींच के ना कहीं चलो भाई अब ये कर लूँ मैं चावल बना दूंगी, रात हम करी है फिर कभी लेट हो जाएंगे। ओके बाय बाय।